नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपके बीच में राजकुमार, हरियाणा ड्राइविंग स्कूल संचालक रेवाड़ी से। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर जब हम ड्राइविंग करते हैं, जिसमें मैं भी आ लिया, आप भी आ लिए, है ना, तो हम ये सोचते हैं कि मैं ओवरटेक कर लूं पहले, मैं आगे निकल जाऊं। हर गाड़ी वाला यही सोचता रहता है। दोस्तों, बाय चांस आगे रेलवे क्रॉसिंग आ गया, है ना, फाटक होता है वहां पे, तो वहां मान लीजिए जाम लग गया, ट्रेन आ रही है, फाटक बंद हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए, अपनी लाइन में जो खड़े हैं व्हीकल, वो बिल्कुल ठीक खड़े हैं, लेकिन हमारे पीछे जो गाड़ी आ रही है वो ये सोचता है कि मैं इन सब से आगे ले जाऊं और आउटसाइड ले जाके फाटक के साथ लगा देता है। फिर पीछे से एक और आ रही है, फिर एक और आ रही है, कहने का मतलब 10-20 गाड़ियां आउटसाइड भी लग जाती हैं, इधर तो अपनी लाइन वाले खड़े ही हैं। ऐसे ही इस फाटक के परली तरफ गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, दुर्भाग्य की बात क्या है, इतना ज्यादा जाम लग जाता है, रेल आ जाती है, चली जाती है, फाटक वाला फाटक खोल भी देता है, लेकिन फिर भी वो जाम लगा ही रहता है, टस से मस नहीं होता, खुलने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों, 10-10, 15-15 मिनट तो गाड़ियां ऐसी खड़ी रहती है आमने सामने। क्यों भाई? आपका समय खराब, हमारा समय खराब। मान लीजिए उस मौके पे आपके गांव में, आपके शहर में, या फाटक के उस पार कोई अग्निशमन सेवा केंद्र की गाड़ी खड़ी हो, कहीं पे आग लग रही हो, और वो दौड़ के उस आग पे काबू करने के लिए वहां जा रही हो गाड़ी, तो साइड नहीं दे पाओगे आप लोग, तो है ना। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। कल की बात बताता हूं मैं। कल मैं शाम को आ रहा था नारनौल से पाली फाटक के पास, यही इसी तरह का सेम जाम, ट्रक वालों ने ऊपर नीचे लाके आउटसाइड में इतनी गाड़ियां खड़ी कर दी, मैं देखता ही रह गया। दोस्तों, करीब मैं एक घंटा रहा जाम में। पीछे एक एम्बुलेंस की आवाज आई मुझे, वो टूटर बजाती आ रही थी, धीरे 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 आधे घंटे में बड़ी मुश्किल से वो फाटक पे आई। उसके बाद सामने फिर वही ट्रक खड़े, आउटसाइड सारे ट्रक खड़े थे। दोस्तों, 1 किलोमीटर का लंबा जाम लग रहा था, वो एम्बुलेंस गाड़ी निकल नहीं पाई। दोस्तों, मैंने खुद वीडियो बनाई उस बारे में, ट्रैफिक पुलिस काफी हेल्प कर रही थी, लेकिन क्या करें, हम ड्राइवर लोग गलत तरीके से आते हैं और अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं, जिससे सामने से आने वाले व्हीकल नहीं निकल पाते, बुरी तरह जाम लगा रहता है। दोस्तों, जरा सी सोचिए, यदि आपने अपने वाहन को साइड में लगा दिया, चाहे वो लाइन 1-2 किलोमीटर लंबी लग जाए, समझ रहे हैं ना, आगे से लेकर पीछे तक, और ऐसे ही वो वाले सामने से जो आ रहे हैं व्हीकल, वो भी चाहे 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा ले, उसके बाद क्या होगा, फाटक खुलेगा, वो भी आराम से निकल जाएंगे, आप भी आराम से यहां से निकल जाओगे, जाम नहीं लगेगा, 10 मिनट में तो सारे ट्रैफिक निकल जाएंगे। बस एक सोचने की बात है ना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, किसी की जान माल का खतरा ना बने, आप अपने वाहन को साइड में लगाएं और रोक लें। जब भी फाटक बंद हो तो अपनी साइड में ही व्हीकल को खड़ा करें, दूसरे की साइड में ले जाके ना खड़े, जिससे खतरनाक जाम ना लगे और किसी की जान माल का नुकसान ना हो। दोस्तों, ये आपके ऊपर है, किसी की जान माल का नुकसान हो गया ना तो आपकी वजह से होगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि अपने वाहन को साइड में रखें, गलत तरीके से गलत ओवरटेक करना, गलत तरीके से पार्किंग करना, फाटक पे गलत तरीके से अपने वाहन को दूसरी साइड ले जाके जल्दबाजी में खड़ा नहीं करना है, ठीक है, जरूर ध्यान देंगे इस बात पे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।